नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाया जाएगा, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। मुरादाबाद में बृहस्पतिवार को टाउन हॉल स्थित पुराना अस्पताल में जागरूकता की एक प्रेस वार्ता कर दिए गए संदेश। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार कुरचिया ने बताया कि कल दिनांक 24 मार्च को विश्व क्षय रोग के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रोबोट द्वारा टीवी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इस उपलक्ष्य में पूरे विश्व में क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और लगातार उत्तर प्रदेश के साथ मुरादाबाद को टीवी रोग मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों में रोगियों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर के द्वारा कराई जा रही बलगम के नमूने की निःशुल्क जाँच, जिसमें सफलता भी मिल रही है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मनोज कुमार, अंकुर शर्मा, नरेश राणा, डॉक्टर जगबीर सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार कुरेचिया, जिला क्षय रोग अधिकारी मुरादाबाद। सर, आज जो प्रेस वार्ता की गई है, क्या जानकारी दी है? कल दिनांक 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है मीडिया बंधुओं के साथ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज ही के दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीवी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में जो है क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य जन समुदाय को जागरूक करना टीवी के प्रति, ताकि जो है किसी को भी दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, सीने में दर्द है, या बलगम में खून आ रहा है, या उसका लगातार वजन कम हो रहा है, रात में बुखार पसीना आ रहा है, ऐसे व्यक्ति कोई भी हैं तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके क्षय रोग की जांच कराएं, ताकि जो है उनकी जांच समय से जल्दी होके यदि टीबी रोग की पुष्टि होती है तो उसका उपचार भी प्रारंभ कर दिया जाए। क्योंकि यदि टीबी रोगी का उपचार प्रारंभ हो जाता है तो फिर समाज में वो दूसरे को टीबी का प्रसार नहीं करता है, जिससे हमें जो है टीबी के खात्मे में मदद मिलती है। इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच कराएं, अवेयरनेस के कार्यक्रम करके, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है क्षय रोगी जो संदिग्ध हैं वो उनकी पुष्टि होके उनको शीघ्र से अतिशीघ्र उपचार से जो है उनको क्षय रोग से जो है पूर्णतः स्वस्थ किया जा सके। साथ ही सरकार जो है क्षय रोगी का उपचार चलने तक 500 रुपये प्रति माह निक्षण पोषण योजना के तहत उसके अच्छे खान पान के लिए उनके सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दे रही है। और अभी तक हमारा जो है जनपद में 2,42,83,500 रुपये DBT के माध्यम से क्षय रोगियों को उनके खाते में प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में हमारे जनपद में 6,326 सक्रिय टीबी रोगी उपचार ले रहे हैं। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 2,579 नए टीबी रोगी हमने खोजे हैं, जिनको उपचार पर लाके उनको उपचार प्रारंभ किया है और उनको निक्षय पोषण योजना का लाभ भी दिया गया है। इसी के तहत